आइए सुनते हैं तरन्नुम रियाज की लिखी कहानी बुलबुल। डेनिम की भारी सी जींस की पैंट को खंगाल कर निचोड़ने के बाद जब मैं उसे हैंगर पर फैलाने के लिए सीधी खड़ी होने लगी तो सारे बदन से टीस सी उठी। पूरी तरह इस्तादा होने में मुझे 10-12 सेकंड तो जरूर लगे और जब मैंने इस जींस को जोर से झटक कर झाड़ा तो मेरे बाएं हाथ की तीसरी उंगली का वो लंबा सा नाखून जो जींस की मोरी को रगड़ते हुए आधा टूट गया था उंगली के पोर की थोड़ी सी जिल्द छीलता हुआ पूरा अलग हो गया। खून के कतरे गिरने लगे और मैं दर्द से बिलबिला उठी। मगर इस ख्याल से कि कहीं जींस पर खून का धब्बा न लग जाए मैंने एक हाथ से बमुश्किल तमाम उसे हैंगर पर डाल दिया। उंगली पर टिश्यू पेपर लपेट कर मैं खिड़की की तरफ लपकी और खिड़की के दोनों पट खोल दिए। अंधेरों से निकल कर आता हुआ हवा का एक उदास झोंका मेरे चेहरे से टकराया। जाने इतनी जल्दी अंधेरा कैसे हो गया। अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने कुछ देर बाद डूबने वाले सूरज की हल्की सी झलक देखी थी। बस इतनी सी देर में एक ही तो पैंट धोई थी मैंने। मेरी उंगली का दर्द मेरे दिल में उतर आया। एक थकी हुई नजर मैंने आसमान की तरफ उठाई। इतने वसीय आसमान पर मुस्तरी अकेला चमक रहा था। मुस्तरी का अक्स मेरी आंखों में धुंधला सा गया। इस जरा सी बात पर ये आंसू भी। कुछ दिन पहले जब उन्होंने बताया कि उनके दफ्तरी काम के सिलसिले में हम लोग 3 दिन के लिए शिमला जा रहे हैं तो मसरत की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई थी। दरअसल मेरी अपनी छुट्टी के भी ये ही 3 दिन थे। इन दिनों मनु की भी छुट्टियां चल रही थी। मालूम नहीं मेरा वक्त कहाँ चला जाता है। लोग बोर कैसे होते होंगे। मुझे तो बोर होने का वक्त कभी मैसर नहीं आया। वैसे कुछ करना तो होता नहीं मुझे ऐसा, मगर फिर भी कभी कभी मैं एक एक लम्हे को अपने पास बुलाकर रह जाती हूँ। उसे दिल की गहराइयों से याद करती हूँ, पुचकारती हूँ, तस्वुरात की बाहें पसारे उसे वादा करती हूँ कि उसे इतने खूबसूरत अंदाज से गुजारूंगी कि शायद ही उसे किसी ने इतना हुस्न बख्शा हो। उसकी मिन्नत और खुशामद करती हूँ। बड़ी मुश्किल से इतनी सारी अजीजी के बाद जब वो एक लम्हा मेरे पास आने को तैयार होता है तो उसी वक्त कुकर की सीटी, टेलीफोन की आवाज़, दरवाजे की घंटी, बच्चों की पुकार, ग्वाले की डोलची की खड़खड़ाहट या फिर किसी काम का एहसास से जिम्मेदारी और मेरा इतने जत्न से बुलाया हुआ लम्हा मुझ तक पहुंचने से पहले ही कहीं दूर साकित हो जाता है। मैं खाली दामन और खाली बाहें लिए एक कोई फर्ज पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाती हूँ और फिर मुझे दिन भर करना ही क्या होता है। वो ठीक ही कहते हैं, काम वाली कपड़े धोती है, सफाई करती है, अब ऐसा कौन सा काम रह जाता है। जरा सा बच्चों को ही तो देखना होता है, उनकी बिखरी हुई चीजें अपनी जगह पर रखना, वो उधम भी तो बहुत मचाते हैं, या फिर खाना बनाना, सौदा सुल्फ ले जाना या दिगर खरीदारी वगैरह करना, छोटे मोटे घरेलू कामों के लिए बिजली वाला या नल वल ठीक कराने वाला बुलाना। मुझे कहीं जाना तो होता नहीं, आराम से घर में काम करती, अपने सामने सब ठीक ठाक करवाती रहूंगी तो मेरा वक्त गुजरता जाएगा। मुस्तैद रहूंगी तो तंदुरुस्त रहूंगी। वो नौकर के सख्त खिलाफ हैं, कहते हैं बड़े शहरों में छोटा नौकर रखना भी खतरा मोल लेने के बराबर है। वो बहुत अकलमंद है, उन्हें हर बात का तजुर्बा है। अब भला मैं घरेलू औरत ये सब क्या जानूं। मुझे एक करना ही क्या होता है ऐसा। झाड़ पोंछ लिया, कपड़े संभाल लिए, मिनी का दूध, नेपीज वगैरह, मुन्ने की किताबें, खिलौने वगैरह देख लिए, उसका होमवर्क करा दिया, बस और क्या। पता नहीं चीजें बार बार क्यों बिखर जाती हैं और उन्हें ठीक करने में इतना वक्त क्यों लगता है और फिर ये वक्त कैसे इतनी जल्दी गुजर जाता। वो बहुत मसरूफ रहते हैं और मैं सारा दिन घर में ही गुजारती हूँ। फिर भी ये 3 दिन जो इस गर्मी से दूर एक खूबसूरत मुकाम पर गुजरेंगे मेरे अपने होंगे और बच्चे नई जगह में महत्व रहेंगे। न बाबरची खाना, न खरीदारी, सिर्फ खूबसूरत पहाड़, रंग बिरंगे परिंदे और मीठी मीठी उनकी बोलियाँ।
बड़े बड़े दांतों वाले बंदर और काले मुंह और लंबी दुम वाले लंगूर, हरी हरी घास और खुश रंग फूलों पर मंडराती नीली पीली तितलियां, चांदनी रात और न आलूदा आसमान के बेसुमार तारे, तुलू और बुगुर और उफ्ताब का सफफ ओ आसमान, ठंडी ठंडी हवाएं और भीगी भीगी रूतें, पल पल आंख मिचोली करती हुई धूप की किरणें और न जाने क्या क्या, ये सब मैं अपनी मर्जी से देखूंगी, महसूस करूंगी। ये 72 घंटे मेरे अपने होंगे। ओह, कितना सुकून मिलता है इस तस्वुर से ही मुझे। उसे महसूस करूंगी तो कैसा लगेगा, मेरे मन में गुदगुदी सी होने लगती है, जिंदगी सहल सहल सी मालूम होने लगती है। मैं हफ्ता भर पहले ही सफर की तैयारियों में लग गई। इस झुलसती गर्मी से 3 दिन दूर बहुत होते हैं। 3 दिन, ये 3 दिन मुझे पूरी तरह से रिक्रिएट करेंगे। सफर पर जाने की शाम मैंने सबकी पैकिंग की। रात के 2 बज गए ये सब करने में। सुबह हमें हिमालयन क्वीन पकड़नी थी 6 बजे से पहले। इसके लिए हमें घर से 5 बजे चलना होगा और फिर मुझे 4 बजे उठना होगा। ये बिस्तर में चाय पीने के आदि हैं। इन सब के तैयार होने से जो चीजें बिखरेगी उन्हें समेटना होगा। मसहरियां भी ठीक करनी होगी, काम वाली तो उस वक्त होगी नहीं। सब सफाई वगैरह करके ही निकलना होगा। बाहर से लौटकर उन्हें गंदा घर अच्छा नहीं लगता। फिर दरवाजों खिड़कियों की कुंडियां चटकनियां अच्छे से देखना भालना, ताले चाबियां नल बिजलियां वगैरह देखना, सब कुछ मुखफल करना। वो कहते हैं कि ये सब काम मैं ही बेहतर तरीके से कर सकती हूं और मुझे ही करना है, कि ये उनके बस की बात नहीं। दूसरी सुबह कुछ सोते कुछ जागते हम रवाना हुए और दोपहर को कालका पहुंच गए। वहां से शिमला के लिए टैक्सी ली। मनु को इन घूमते बल खाते रास्तों में उबकाई हो जाती है। वो सारा रास्ता उल्टियां करता रहा। मैं उसका सर थामे रखती, मुंह पोंछती, गिरे बांध साफ करती रही। वो अगली सीट पर शायद सो रहे थे। पहाड़ी रास्ते इतने दिल मोहने वाले थे कि सब थकान भूलकर मैं उन ऊंचे ऊंचे पेड़ों को, ढलवानों, घाटियों को देखने लगी। कोई 3.5 घंटे का सफर था। बूंदे पड़ने लगी थी। जहां जहां गाड़ी बढ़ती जरा सा रास्ता छोड़कर वहीं पर बारिश पड़ने लगती। बादल हमारे ही रुख पर तैर रहे थे, हमारे साथ साथ चलकर मेह बरसाते जाते। दोनों बच्चे मेरे 2 कंधों पर सर टिकाए सो रहे थे, शायद इस तरन्नुम की लोरी समझकर जो बारिश के कतरों के खिड़कियों के शीशों से टकराने से पैदा हो रही थी। उन्हें मीठी नींद आ गई थी। ये मंजर इस कदर दिलकश था कि मेरी बोझल पलकें भी बंद न हो पा रही थी। जोरों से बरसता हुआ पानी सामने के शीशे पर छा जाता और गाड़ी में लगा वाइपर उसे पलक झपकते ही पोंछ लेता और इतने ही अरसे में उसकी जगह और पानी ले आता और फिर उसी तरह पोंछा जाता। दोनों तरफ के शीशों पर भी बूंदे टपक टपरा कर फिसल रही थी। बारिश सीधी आड़ी तिरछी जाने कैसे कैसे बह रही थी। एक तरफ पहाड़ियां, एक तरफ जंगल, और अगर जंगल की तरफ देखें तो बारिश आसमान से लेकर जमीन तक बरसती हुई पानी की हजारों निहायत तवील धारों की शक्ल में रवा नजर आ रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे हम खुद ऊपर से नीचे पानी के बेसुमार धारे बरसा रहे हों। गाड़ी के अंदर हल्की हल्की गर्मी थी। बाहर हवाएं सर्दी और बारिश के और तन्हा बल खाती हुई सुरमई तवील सड़क मुझे नींद आ रही थी। मंजर को निहारना अच्छा लगता था, मगर थकान के बावजूद मैंने खुद को सोने से रोके रखा ताकि मोड़ों पर मुड़ते वक्त बच्चों को कहीं चोट ही न लग जाए। ये जगह शिमला से आगे थी, बीचों बीच जंगल के। वैसे यहां सब कुछ जंगल के दरमियान ही था, मगर यहां कुदरती हुस्न अपने सबाब पर था। छोटी सी पहाड़ी के ऊपर से खूबसूरत सा होटल, पहाड़ी के शुरू में मुख्तसर सा बाजार, सब खूबसूरत था। टैक्सी से उतरते ही ताजा हवा के मुअत्सर झोंकों ने हमारा इस्तकबाल किया। इस खुशबू में
जंगली दरख्तों की सौंधी सौंधी महक भी शामिल थी और मुख्तलिफ किस्म के फूलों की खुशबुएं भी, जो बगीचे में चारों तरफ दरमियान में निहायत सलीके से उगाए गए थे। उसमें इस्तादा बड़े से अखरोट के पेड़ पर एक मैना अपनी पीली चोंच वाकिए चहक रही थी। बारिश थम चुकी थी। निखरे नीले आसमान पर बादल के दूध जैसे सफेद टुकड़े इधर उधर टंगे हुए थे। सुरमई पंखों और पीले पेट वाली एक मुन्नी सी चिड़िया यहां से वहां उड़ रही थी। आसमान पर कमों सा कुछ है उभर आया था। बच्चों ने पहली बार धनक को देखा तो बहुत खुश हुए। आसपास हद नजर तक धुआं धुलाया सा मंजर, नहाए नहलाए से पेड़, सजे सजाए सरमाए सरमाए से फूल, हरी हरी घास पर अटखेलियां करती हुई रंग बिरंगी तितलियां, नीला नीला आसमान देखकर गुनगुनाती हुई मैना, ये मंजर जाने कहां ले गया। कमरे में पहुंचकर मैंने सबके कपड़े अनपैक करके अलमारी में लटका दिए। बच्चों को हाथ मुंह धुलाने गुसल खाने में ले जाने लगी तो देखा कि बादल अंदर घुसे आ रहे थे खिड़की के रास्ते। इससे पहले कि मैं इस होशरुबा मंजर में महव हो जाती, मैंने बादलों से दरखास्त की कि कुछ और देर ऐसे ही ठहर जाएं। मैं बच्चों से फारिग हो लूं कि मैं ये सगर आगी मंजर पहली बार देख रही हूं। वो बालकनी में खड़े सिगरेट फूंक रहे थे। खाना खाते शाम हो गई। शाम से मुझे इश्क रहा है। 24 घंटों में शाम ही है जो मुझे अपनी सी लगती है। फिर पहाड़ों की शाम की बात तो कुछ और ही है। मैं बालकनी में बैठकर बादलों को अपने चेहरे पर अपने हाथों पर महसूस करना चाह रही थी कि मैं 3 दिन के लिए बादलों के पास इतनी ऊंचाई पर चली आई थी। वहां बैठकर जरा सा वो मैगजीन देखना चाह रही थी जो मैंने स्टेशन पर खरीदा था, मगर इनकी सिगरेट खत्म हो गई थी और होटल में वो ब्रांड नहीं था। उन्होंने मुझे ही भेजना मुनासिब समझा। कहने लगे कि बच्चों को भी साथ ले जाऊं बाजार, रास्ता भी देख लूंगी और सैर भी हो जाएगी। वो जब तक बालकनी में बैठकर मैगजीन देखेंगे। उन्होंने आहिस्ता से मेरे हाथ से रिसाला लेते हुए समझाया था। बाजार दूर से नजर आ रहा था। हमारे चलते वक्त आसमान फिर अब्र आलूद था, मगर बूंदे अपनी बारीक बारीक बरस रही थी जैसे छलनी में से छन कर गिर रही हो। हम ढलान तक करके चौड़ी सड़क पर पहुंचे ही थे कि बारिश अचानक तेज हो गई और हम सब एक दुकान के छज्जे तक पहुंचते पहुंचते बुरी तरह भीग गए। कुछ देर बाद जब बारिश जरा कम हुई तो जल्दी से सिगरेट और कुछ बिस्कुट वगैरह लेकर मैं गुड़िया को गोद में लिए मुन्नू की उंगली थामे ऊपर चढ़ाई चढ़ने लगी। सर्द हवा बदन को छूती हुई लिबास के आर पार होकर गुजर रही थी, मगर मैं पसीना पसीना हो रही थी। सांस बेतरतीब चल रहा था। मन्नू भी बार बार रुक रहा था। अगर वो जरा सा ढलान तक आ जाते तो गुड़िया को संभाल लेते या मन्नू को ही सहारा देकर ऊपर ले जाते। हाफते कांपते जब हम ऊपर पहुंचे तो वो मसहरी पर नीम दराज गर्म गर्म चाय पी रहे थे। टीवी ऑन था, कोई पुरानी फिल्म आ रही थी। फिल्म की हीरोइन एक नन्हे से बच्चे को पीठ पर बांधे कुदाल से पत्थर जैसी सख्त जमीन खोद रही थी। वो निहायत पुरसुकून थे। उन्होंने हम लोगों की तरफ देखे बगैर सिगरेट के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने जल्दी से बच्चों के बाल पोंछ कर उनके कपड़े तब्दील किए और फिर अपने गुड़िया की कपकपाहट बढ़ती जा रही थी। मैंने उसे कंबल ओढ़ाकर उनके बराबर लिटा दिया। कुछ देर बाद वो बोले कि गुड़िया को बुखार आ गया है, छुआ तो वो तप रही थी। मैंने उसे और मुन्नू दोनों को क्रोसिन सिरप का एक एक चम्मच पिला दिया। उसके नाजुक से नन्हे वजूद को सर्दी हो रही थी। उस दिन पूरी रात वो बेचैन रही। मैं बीच बीच में दवाई भी पिलाती रही, ठंडे पानी की पट्टियां भी करती रही। सुबह के वक्त जब उसका बुखार कम हुआ तो वो सो गई। यहां तो यूं भी कोई एक काम नहीं, नींद आएगी तो दिन भी सो लूंगी, मगर मैं सोकर इस हसीन मंजर को तोहीन नहीं करना चाहती थी और न ही आने वाले दिन को
नील के हवाले करके जाया करूंगी। मैं इसे महसूस करना चाहती हूं, मैं हर किस न सोऊंगी। सहर होने को थी मगर अभी बाहर घुप अंधेरा था। करीब ही किसी पेड़ पर कोई परिंदा गा रहा था। इतनी सुबह यानी सुबह से ही भी पहले ये कौन सा परिंदा गा सकता है इतना मीठा नगमा, एक मुसलसल गीत, सुर और लय से भरपूर। मैं उठकर खिड़की तक आ गई। मैंने अंधेरे में गौर से देखा, स्याही माइल, नीले पैरों और पीली चोंच वाली मैना घास पर इधर उधर कभी चलकर कभी फुदक कर चहलकदमी कर रही थी और कभी रुककर सर ऊपर उठाए इस सुरीले नगमे का अलाप कर रही थी जो इस गहरे सुकूत को तोड़कर रूह की गहराइयों में घुला जा रहा था। ये मंजर इतना होशरुबा था कि मेरे पांव खिड़की के पास जैसे ही मुंजमिद हो गए। सुबह काव्य के नए नए मुतवक्के इकसार के महसूस होने के लिए मैं वहीं खड़ी रही। जरा सी देर में पांव फटा जाती थी। मैं ना असल में इतनी सुबह बगीचे में एक जरूरी काम के सिलसिले में उतरी थी, वरना वो डाल पर भी तो गा सकती थी। वो इन नन्ही मुन्नी बीर बहुटियों के लिए पैगाम में अजल लेकर नमूदार हुई थी जो घास के एक मुन्ने से तिनके की ओट में कुछ घंटों की जिंदगी गुजारा करती है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वो शोक से खाया करती है। पहरों घास पर इधर उधर घूमकर उन्हें तलाश करती थक जाती तो उड़ान भरकर पास के पेड़ पर बैठकर नगमा छेड़ देती जैसे कोई मुकतलिफ सुरों में सीटियां बजा रहा हो और साथ ही चहक भी रहा हो। कुछ सीटियां, एक चहक, फिर सीटियां सी चहक। रोशनी फैलने लगी थी। परिंदे जाग गए थे किसी साख पर। भूरे सुरमई पैरों और फुर्तीले जिस्म वाली कस्तूरी लहक लहक गरका रही थी। पी 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 पीव पीव कई तरह की मुख्तलिफ बोलियां बोल रहे थे परिंदे। कई तरह की बुलबुलें गा रही थी। कुछ ही देर में धुंध ने सारे मंजर को अपनी लपेट में ले लिया। दरअसल ये धुंध नहीं थी, ये बादल थे जो हमें मैदानी इलाकों में बहुत पर फैले हुए नजर आते हैं, वरना अगर ये सिर्फ धुंध होती तो सिर्फ धुंध ही होती। साथ में बारिश भी होने लगी थी। परिंदे खामों से हो गए थे मगर वो मैना अब भी घास पर भीग भीग कर घूम घूम कर नगमे गा रही थी। न वो भीगने से घबराती न सर्दी से। जी चाह रहा था कि नीचे बगीचे में उतरकर मैं भी जरा सा टहल कर थोड़ा सा भीगूं और इस धुली धुलाई निखरी नहाई सुबह को अपनी रूह में उतार लूं, मगर मुसल मुसल कई घंटों की थकान और सब बेदारी ने मेरे पांव मन मन भर के कर दिए। आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी और मैं वापस मसहरी पर आ गई। छत के ऊपर जोरों की खड़खड़ाहट से मेरी आंख खुल गई। खिड़की से झांका तो धूप चमक रही थी और टिन की छत पर उछलते कुत्ते बंदरों का साया बगीचे की घास पर साफ दिखाई दे रहा था। वो कमरे में नहीं थे, शायद मनु भी उनके साथ गया था। गुड़िया चुपचाप सो रही थी। नन्ही सी जान को बुखार ने कुमला कर रख दिया था। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया था। वो पीली पड़ गई थी, होठ सूख गए थे। अगर ठीक होती तो अपने कद के बराबर हर चीज का वो भरपूर जायजा ले चुकी थी। अभी अभी खड़ा होना सीखा था उसने। एस्ट्रेच उसके कद के बराबर ऊंची मेज पर सलीके से एक तरफ को सज रही थी। फर्श पर औंधी पड़ी होती और सिगरेट के बचे हुए टुकड़े कुछ जमीन पर होते, कुछ उसके मुंह में। जग उल्टा हुआ होता और गिलास गिरा हुआ। दो मिनट में उसके सारे कपड़े भीगे हुए होते और मुझे देखकर हंस हंस कर कभी मसहरी के नीचे घुसने की कोशिश करती, कभी मेज के नीचे, और मैं वहां से उसके गोल मटोल मक्खन जैसे पैरों को खींचकर उसे बाहर निकालती, उसका दहाना साफ करती, मुंह से सिगरेट के बचे हुए टुकड़े निकालकर उसे खूब खूब प्यार करती, मगर इस बुखार ने उसे निढाल कर दिया था। मैंने पानी पिलाने के ख्याल से उसके चेहरे को छुआ, वो अब भी हल्का सा गर्म था। मैंने माथे पर हाथ फेरा, पसीने की वजह से गर्म गर्म बाल माथे से चिपक गए थे। उसने नहीं सी आवाज में मुझे पुकारा,
मैंने 2-3 चम्मच पानी पिलाया। उसने मुश्किल से पिया। इस वक्त भी उसे भूख नहीं थी। कल रात भी उसने कुछ न खाया था और अब वो कुछ नहीं लग रही थी। इस वक्त वो कुछ देर के लिए आ जाते तो मैं बाजार जाकर कुछ दलिया वगैरह ले आती। दवा से कुछ देर के लिए जब उसका बुखार उतरता तो मैं उसे दलिया खिला देती। दोपहर हो गई, वो नहीं लौटे। नीचे वो कह गए थे कि मेरा खाना कमरे में भिजवा दिया जाए। सारा दिन बुखार में तपती हुई गुड़िया को सीने से लिपटाए मैं खुद भी तड़पती रही। वो भूखी थी तो मुझसे कहाँ खाया जाता कुछ। मैंने वेटर से दूध ऊपर कमरे में मंगवाया था। उसने नजर उठाकर देखा तक नहीं। सुबह मौसम खुशगवार था, फिर मालूम नहीं कब बादल छाए। मतला अब्र आलूद हो गया। हवा के झोंके ने खिड़की का पट खट से खोल दिया तो मैंने गर्दन मोड़ कर देखना चाहा, मगर उस वक्त गुड़िया नींद या गनुदगी या बुखार में मुझे पुकार कर चिखी। मैंने हिलाकर जगा दिया, पानी के 2 चम्मच पिलाए, कुछ बात करना चाही। वो नीम वासी आंखों से मेरी तरफ देखती रही। मैं मुस्कुराई तो वो भी धीरे से मुस्कुराई। मैं उसका मुखड़ा देख रही थी। हरारत कुछ कम थी। मेरा दिल पर सुकून होने लगा। अब शायद वो दूध पी लेगी। कुछ ताजा सी खुशबू महसूस हुई तो मैंने नजर उठाकर देखा कि हवाएं कमरे के अंदर चली आ रही थी। मैंने पहली बार हवाओं को देखा था, पहली बार हवा की खुशबू सूंघी थी। मुझे अपनी कुबत सामा और बासीरा पर यकीन नहीं हो रहा था। यहां हवा को देखा जा सकता है? हाँ, हवा को देखा जा सकता है। जब वो बादलों के बेशुमार खुर्दबीनी जर्रात पर सवार होकर आए, और हवा को सूंघा भी जा सकता है जब वो जंगल के अजीम दरख्तों के नोकीले पत्तों की सोंधी सोंधी महक और रंग बिरंगे फूलों और हरी हरी घास की नमी और खुशबू अपने साथ लेकर चुपके से खिड़की से दाखिल हो। कुछ देर मैं इस जन्नत में गुम हो गई जो बगैर बताए कमरे में आकर मुझे सरसार कर गई। मैंने 2 तकियों की मदद से गुड़िया को बिठाकर चारों तरफ से कंबल ओढ़ा दिया। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। एक मैना उड़ती आई और खिड़की पर बैठकर गाने लगी। उसे तो बहाना चाहिए गाने का। बादल छाए तो गाएगी, बारिश बरसे तो गाएगी, बारिश थम जाए तो गाएगी, सूरज चढ़े तो गाएगी और डूबे तो भी, बल्कि सूरज चढ़ने से घंटों पहले मुंह अंधेरे गाने लगेगी और इसी तरह सूरज गुरुब होने के घंटों बाद तक, जब तक घुप अंधेरा न हो जाए और कुछ भी नजर न आ सके, उस वक्त तक गाती जाएगी। ऐसा भी होता है कि बिजली कड़कती है और ये चहकती है, और बादलों की जोरदार खुरदुरी दहाड़ में भी इसका निहायत सुरीला नगमा कानों में रस घोलता, गरज को चीरता हुआ सुनाई देता है। मैना को ऐसा खुशमिजाज परिंदा कभी नहीं देखा था। गाती हुई पहाड़ी मैना का नगमा और उसकी पीली चोंच या फिर स्याही माइल नीले परों की कशिश भी गुड़िया उसका महियत से मुशाहिदा करने लगी। मैंने उसकी इसी महियत का फायदा उठाकर उसे 4-6 चम्मच दूध पिला दिया और खुद चाय के छोटे छोटे घूंट भरते हुए मैना को देखने लगी। मेरा जी चाह रहा था कि खिड़की से बाहर देखते हुए चाय पीऊं, मगर मैना के उड़ जाने के डर से मैं वहीं गुड़िया के पास मसहरी पर बैठ गई। मेह जोरों का था, साथ ही मोटे मोटे ओले भी पड़ रहे थे। मैना कहीं उड़ गई थी। मैंने खिड़की के करीब जाकर बारिश के कतरों को हाथ में लेने के लिए हाथ फैला दिया। बड़ी मुश्किल से एक ओला मेरी हथेली पर रुका। अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा था, जैसे ही मैं हवा के दोष पर तैर रही हूं या अपने लड़कपन में कहीं लौट आई हूं। नहीं, लौट आया चाहती हूं कि दरवाजे की दस्तक ने मुझे एहसास दिलाया कि मुझे तैरना नहीं आता। वो दोनों बाप बेटे अंदर दाखिल हुए। बहुत मजा आया मामा, आप क्यों नहीं आई हमारे साथ घूमने, मुन्नू मुझसे लिपटते हुए बोला। गुड़िया ठीक हो गई? वो बोले। कुछ बेहतर तो है, मैंने जवाब दिया। बहुत थक गए हम, जरा रूम सर्विस में चाय के लिए फोन कर दीजिए, वो बिस्तर पर दराज होते हुए बोले। वो वाकई थक गए थे।
कि इस तरह जूतों समेत बिस्तर पर लेटने का मतलब था कि मैं ही उनके जूतों के तस्मे खोलूं, मोजे उतारूं। जूते मोजों से फारिग होकर मैंने मुन्नू को नहला दिया। रात का खाना हम सब ने नीचे डाइनिंग हॉल में खाया। बाहर आए तो मैंने पहली बार आसमान की तरफ देखा था। आसमान पर बेशुमार तारे थे। शहर के आलूदा आसमान पर तो बहुत थोड़े तारे हुआ करते हैं, जो बहुत छोटे दिखाई देने वाले तारे होते हैं वो मटमैले धुएं के गिलाफ के उस पार दिखाई ही नहीं देते। जो नजर आते हैं वो भी मैले मैले से, और यहाँ कितना चमकदार आसमान, और एक दूसरा आसमान वो जो जमीन पर भी नजर आ रहा था। रात को पहाड़ियों के ऊंचे नीचे मुकामात पर बने मकानात की बिजलियां दूर हवा से हलकोरे एक खाने वाले अनगिनत पत्तों के पीछे से यूं आंख मिचोली कर रही थी जैसे रंग बिरंगे सितारे टिमटिमा रहे हों। बहुत ही लुभावना मंजर था ये नजारा। अगर शाम की सुरमई रोशनी में देखा जाए तो कितना ज्यादा हुस्न समेट लेगा अपने अंदर। इस वक्त तो नीला आसमान भी गहरा नीला दिखाई देता होगा, और पुरसी को दरख्तों के इसरार भी वाजे होंगे। तब ये रोशनियां दूर से ऐसी लगती होंगी जैसे दरख्तों की शाखों पर अनगिनत जुगनुओं के झुरमुटों ने डेरे डाले हों, या फिर उस अंधेरे में ऊंचे लंबे टीलों वाली पहाड़ियों पर यहां वहां जैसे बेशुमार दिए झिलमिला रहे हों। वो दो दिन तो जाने कैसे गुजर गए। कल शाम मैं ये मंजर हरगिज जाहिल नहीं होने दूंगी। सूरज को गुरूब होता हुआ देखूंगी। इन तमाम परिंदों को पास के सभी दरख्तों पर गौर करके तलाश करूंगी जो ये दिल चुराने वाली चहकार जगाकर हमें सुकून की वादियों की सैर कराते हैं। अपने रूह परवर नगमे सुनाकर मदहोश कर देते हैं कि हमें अपना आप हल्का हल्का महसूस होता है। सारे गम, सारे काम, सारी जिम्मेदारियों के एहसास पर सुकून का एहसास हावी रहता है, और सुकून की अब मेरे नजदीक वो अहमियत है कि मासूम जिंदगियों की बेशुमार जरूरतों की फिक्र न होती तो जान के बदले खरीद लेती। और ये खुश रंगो खुश गुलू परिंदे बेदाम मेरी झोली में ये दौलत डाल देते हैं कि जिंदगी कोई अच्छी चीज मालूम होने लगती है। यूं भी नहीं कि जिंदगी मुझे हमेशा झेलनी पड़ती थी, बल्कि मैंने तो जिंदगी से खूब खूब मोहब्बत की थी। जिंदगी मेरे लिए हंसी के न रुकने वाले फव्वारे, माँ बाप की नाज बरदाइयां, नन्हे मुन्ने भतीजों के साथ इश्क, भाइयों का लाड और भाभियों के साथ सैर सपाटे, शॉपिंग और फिल्मों के अलावा पेंसिल स्केचिंग करना और पढ़ाई करना तो खैर था ही। अब तो अखबार तक की शक्ल देखे हफ्तों गुजर जाती है। वो भी ठीक ही कहते हैं, मुझे करना ही क्या है, कोई सोशल लाइफ तो नहीं है मेरी, न दोस्त न सहेली। जो अहबाब वगैरह हैं तो उन्हीं की तरफ से हैं। उनसे अगर कभी हमारे यहां मुलाकात होती है तो मुझे फुर्सत ही नहीं होती पास ठहरने की, और उनसे किसी के यहां वो सिर्फ खुद ही जा पाते हैं। उन्हें इस बात से बड़ी कोफ्त होती है कि वो दोस्तों से बात कर रहे हों और बीच में बच्चे के रोने की आवाज आ जाए या बच्चा जोर से हंस पड़े। इसलिए मैं बच्चों को अपने पास ही रखती हूँ, बाहरी दरवाजे की चाबी साथ नहीं ले जाते। वो उन्हें अच्छा नहीं लगता कि वो खुद से दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हों और मैं सोई हुई मिलूं। मैं बैठे बैठे ऊंघ भी जाऊं तो लेटती नहीं ताकि वो घर लौटे तो दरवाजा खोलूं। अब दोस्त के घर जाएंगे या उनके साथ कहीं जाएंगे तो ये आधी आधी रात को ही हो जाती है। थक भी जाते हैं। उनको कपड़ों की अलमारी के दरवाजे पर लगे हैंडल पर हैंगर से टंगा सब ख्वाबी का लिबास पकड़ाना होता है। मोजे और कमीज वगैरह कपड़े धोने की मशीन में डालना और कुछ कपड़े उसी हैंगर पर डालकर अलमारी में रख देना। जूते जो ये रैक के ठीक पास उतारते हैं उन्हें उठाकर करीने से रैक के अंदर रखना। अगर घर में चार लोग हैं तो फिर मुझे ऐसा करना ही होता है। बहरहाल कल का दिन मेरे पास है, कल रात की गाड़ी से जाना है। मालूम नहीं वो और मनु कल कहां घूमने गए थे।
आसपास देखने लायक मुकाम तो होंगे, दिन में कुछ न कुछ तो देख ही सकती हूँ। नाश्ते से फारिग होते ही मैं फौरन पैकिंग कर लूंगी, मगर क्या मालूम वो कितने मसरूफ हों, उन्हें कहीं जाना हो। मैं कभी कोई प्रोग्राम बना नहीं पाती। नाश्ते के बाद जब मैं पैकिंग करने लगी तो उन्होंने मशवरा दिया कि ये जो प्लास्टिक की थैली में मैंने बच्चों के मैले कपड़े साथ उठा लिए हैं, उन्हें यहाँ ही धो लूँ, कहाँ मैले कपड़ों को उठाती फिरूंगी। ठीक ही कहते थे। अब मैं उनको ये कहकर परेशान तो न करती कि ये सूखेंगे नहीं शाम तक, और जब भी थैली में अलग ही डालने पड़ेंगे। खैर, मैंने पैकिंग का काम अधूरा छोड़ दिया और कपड़े धोने लग पड़ी। धोते धोते जाने कब दोपहर हो गई। खाना खाने के बाद वो किसी तरह निकल गए और मैं पैकिंग में लग गई। अटैची बड़ी मुश्किल से बंद हुई। असल में इसमें उनके मिलने वालों के लिए कुछ छोटे मोटे तहाइफ वगैरह थे, ये एक इजाफा था, और बैग में भी भीगे कपड़ों ने एक बड़ी जगह घेर रखी थी। बच्चों को मैंने सफर के लिए चाको चौबंद बना दिया, खुद भी तैयार हो गई। वो तो तैयार ही थे, सब सामान पैक हो चुका था, बल्कि अपनी अपनी जगह पर ठूस चुका था। 5 बजने वाले थे, शुक्र है सब कामों से निपट तो ली। इधर उधर न सही, आराम से बालकनी पर वो रसीला देखूंगी जो 3 दिन पहले मैंने देखा था। खुद के बाद गुरुबे आफताब का नजारा, फिर परिंदे। इस ख्याल से मैंने गुड़िया को उंगली पकड़ाई और उसे धीरे धीरे चलाती हुई बालकनी में पहुंची ही थी कि नीचे सड़क पर वो आते हुए दिखाई दिए। मैं वापस कमरे में लौट आई। वो आते ही कहने लगे कि उनकी जींस काफी मैली लग रही है और ये कि उन्हें जींस में ही सफर करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं जरा सा उसे धो लूं। जींस देखते मैं मैली तो लग रही नहीं थी, बस मोरियों पर जरा सी धूल मिट्टी थी जो ब्रश से आसानी से साफ हो सकती थी, मगर वो बहुत सफाई पसंद है। कह रहे थे मुझे भी गाड़ी का वक्त होने तक कुछ करना तो है नहीं, जरा सा उसे धो लूंगी और फिर जरा सा इस्त्री से सुखा भी दूंगी, इतना वक्त है मेरे पास। मैंने प्रेस साथ रखी थी, वो एक आध सिकन वाला लिबास भी नहीं पहन सकते थे। मैंने निहायत मुश्किल से पैक की हुई अटैची खोलकर उन्हें दूसरी पतलून निकाल दी और जींस धोने गुसल खाने में घुस गई। डेनिम के मोटे सूती कपड़े की जींस पानी में और भी भारी हो गई और मैं हत लगी मकान इस बजनी पैंट को उलट पलट कर धोती गई, हाथों में लेकर रगड़ती गई। कपड़े धोने का ब्रश तो मेरे पास था नहीं इस वक्त, और ज्यादा साफ करने की कोशिश में मेरी उंगली का एक लंबा नाखून आधा टूट गया। जाने कितना वक्त लगा होगा, मगर मैंने उसे आखिरकार धो लिया और अब उसे फैलाने से पहले झटकते हुए मेरा पूरा नाखून ही उखड़ गया। खून की धार बह निकली, दर्द की लहर सी उठी। मैंने उंगली पर टिश्यू पेपर लपेट लिया और वक्त जाया किए बगैर गुसल खाने की खिड़की खोल दी। अंधेरों को चीर कर आता हुआ सर्द हवा का एक अफसुर्दा झोंका मेरे चेहरे से टकराया। न मालूम कब अंधेरा हो चुका था। सारे तुयुर आसियानों में जा छुपे थे। नीले पंखों और पीले चोंच वाली मैना भी गायब हो चुकी थी। अंगुली की टीस दिल में से होती हुई रूह में समा गई। थकी हुई नजर मैंने आसमान की तरफ उठाई। सितारे जहरा वसीए उल अर्ज आसमान पर अकेला लटक रहा था। दूर पहाड़ियों पर टंगी रोशनियां भी बराए नाम दिखाई दे रही थी। हर तरफ धुंध ही धुंध थी। थकी हारी सी मैं कमरे की एक तरफ लपटी तो कमरे का मंजर भी मुझे धुंधलाया सा लगा। ये मेरी आंखों को क्या हो गया है? जींस का इजाफी पानी निचुड़ चुका होगा, मुझे उसे स्त्री से सुखाना भी है। वो बहुत नाजुक मिजाज हैं, जरा सी भी अनकंफर्टेबल चीज उन्हें परेशान कर देती है।